Right, hi everyone, good morning. Yeah, hi Chitraksh, hi Harsh, good morning Riya. Good morning Divya, good morning Kargi, hi Dhruv. आप लोगों ने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा अभी तक? Done, sir. Let me just quickly check कितने बच्चों ने भर लिया है. This is Zenith 7th May. अरे सर 49 बच्चों ने भरा है अभी तक. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, भरा है कि नहीं भरा अभी तक? किस किसने नहीं भरा है? आदिल तुमने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है? आदिल देवकर No, sir, I've not submitted. तो भरो भाई, किसका वेट कर रहे हो? मैंने बताया ना कस्टमाइज कर सकते हो, बाद में भी एडिट कर सकते हो, ठीक है? एंड सी अंडरस्टैंड राइट नाउ यू मस्ट बी इन अ सिचुएशन कि यू नो सर बेइज्जती हो जाएगी, भर दूंगा, घर वालों को पता पड़ जाएगा तो डांटेंगे कि ये सब भी नहीं करा, ठीक है? सो अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो मैं एनीवेज घर वालों को बताने वाला हूँ, ठीक है? फॉर्म भर दोगे तो इट विल बी मोर और लेस बिटवीन यू एंड मी. हम लोग आपस में देखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, बाद में उसको एडिट करेंगे. नॉट फीलिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर, ठीक है? सो प्लीज टेक आउट दैट टाइम टुडे एंड फिल दिस फॉर्म. ऑल राइट. आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द वन मोर टॉपिक दैट इज लाइक द अंडरलाइंग फंडामेंटल और इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स. फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट कर पाएंगे, मूल कंसेप्ट शुरू कर पाएंगे. सर हाँ, द कमिंग टेस्ट में मूल कंसेप्ट हाफ आएगा जहां तक आपको पढ़ाया जाएगा. अभी इस वीक में अपना कहां तक क्लास है? तो कल की क्लास तक में जितना पढ़ा देंगे उतना. ओके सर, ठीक है. सर सर स्टोइशियोमेट्री हाफ वे का. हाँ, मतलब जितना अपन ने पढ़ेंगे कल की क्लास तक उतना. ओके सर, ठीक है. ऑलराइट, सो इफ यू रिमेम्बर आवर लास्ट टू लास्ट क्लास का डिस्कशन, हम लोग जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का पार्ट पढ़ रहे थे तो आपको अगर याद हो तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन में मैंने आपको चार यूज केसेस के बारे में बताया था जो मेजरली हम लोग डिस्कस करते हैं. पहले दो हम लोग कर चुके हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है, एंड परसेंटेज प्योरिटी का हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. आज हम लोग ये दोनों परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ गैशियस मिक्सचर एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे. एंड इसमें आप नोटिस करना, अगर बुकलेट में आप क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, और वो इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे तो जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया होगा वो मोस्ट लाइकली बाय मोल्स दिया होगा, ठीक है? देखना, अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा. आपने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला तो एनीवेज नोटिस कर लिया होगा, जब आप बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन में भले ही लिख के नहीं आता है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास है कि नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी है ये परसेंटेज प्योरिटी या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, दे आर ऑल बाय मास ओनली,
सर अगर बाय मोल्स का भी आ गया तो क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं भी बता दूंगा, आप उससे आंसर करोगे, अभी मैं सिखाऊंगा ना ये बाय मोल्स वाला पार्ट। नहीं सर आजिल वो दो यूज केसेस ऑफ मास में अगर ऐसा ये अभी अपन सीख लेंगे पहले, फिर उसके बाद अगर ये चीज ऐसे दी हुई होगी तो भी कैसे करना है मैं बता दूंगा आपको। अभी आएगा एग्जांपल्स होंगे, अभी इसमें ऐसा होगा जो ये बाय मोल्स वाला है, ठीक है, इसमें मैं एक्चुअली बाय मास वाला कॉम्पोजिशन देके भी आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट हेडिंग दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट of a mixture of gas or percentage composition of a gaseous mixture. Now what do I mean by this average molecular weight of mixture of gas? ठीक है, so let's say आप जिस room में बैठे हो उस room में जो air है उसके दो major components क्या है? एक है N2 gas, oxygen and nitrogen, और एक है O2 gas. नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस 32। तो अब जिस रूम में आप बैठे हो उसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट वुड बी समथिंग बिटवीन 28 एंड 32, है कि नहीं? जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा ऑफ द इंटायर एयर राइट इट विल बी बिटवीन 28 एंड 32। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस। अच्छा सर मतलब 30 ना सर बिटवीन। तो अब समटाइम्स स्टूडेंट्स थिंक कि इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। वो एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू कब होता? जब 50% N2 और 50% O2 होता। बट इज दैट द केस इन योर एयर का, इन योर रूम का एयर? इनफैक्ट क्या ज्यादा रहता है? नाइट्रोजन N2। N2 ज्यादा है तो जो एवरेज होगा वो 30 की जगह it will be more shifted towards 28. Yes, sir. Right. So what we are highlighting over here is that is exactly what I'm trying to say that agar kisi vessel ke andar, theek hai, teen gas hai maan lo G1, G2, G3 aur unke moles hai N1, N2, M3, unka molecular weight hai capital M1, capital M2, capital M3, ye unka molecular weight hai. तो अगर मैं आपसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर पूछूं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आपसे पूछूं, तो डोंट टेक अ सिंपल एवरेज कि सर M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 3 कर दो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। द आंसर इज एक्चुअली अ वेटेड एवरेज। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? कभी पढ़ा है, देखा है, सुना है ये वर्ड पहले कभी? वेटेड एवरेज, सो इस वर्ड का मतलब ये हो गया कि जो एवरेज रहने वाला है उसमें हमको जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा वो अकाउंट में लेना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया रूम की एयर का एग्जांपल लेकर कि रूम में अगर 50% O2 50% N2 होता तो हम बोल देते कि हाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर जो मिक्सचर है वो एग्जैक्टली 28 और 32 के बीच में है, दैट इज 30। बट अगर रूम के अंदर मान लो ज़्यादा N2 है, मान लो कि इनफैक्ट होता ही है, तो N2 का वेटेज ज़्यादा हो गया, O2 का वेटेज कम हो गया इन द रूम, तो जो मिक्सचर का एवरेज रहेगा वो N2 के मॉलिक्यूलर वेट के ज्यादा पास रहेगा एज कंपेयर टू O2 के मॉलिक्यूलर वेट के। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय वेटेड एवरेज।
अगर रूम में ज्यादा ऑक्सीजन होता O2 होता तो मेरा जो एवरेज वैल्यूज होती वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको कैलकुलेट करना, एवरेज वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एयर वो ज्यादा 32 के पास में होती, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट के ज्यादा पास में होती अगर ऑक्सीजन का वेटेज ज्यादा होता, ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, बट आपको एक आइडिया समझ में आया व्हाट इज मेंट बाय वेटेड एवरेज एंड नॉट सिंपल एवरेज। ठीक है, तो सिचुएशन हमारे सामने क्लियर है, वी हैव थ्री गैसेस G1 G2 G3 जिनके मोल्स N1 N2 M3 है और मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M1 कैपिटल F2 कैपिटल M3 है। इनका जो एक्चुअल मास होगा वो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट से मैं लिख सकता हूं, है कि नहीं? यस, मास विल बी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो अब आप नोटिस करोगे जो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ये तो खैर वो एयर वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि जो वेटेड एवरेज है वो 28 से 32 के बीच में रहेगा एंड द एवरेज विल बी क्लोजर टू द वैल्यू जो ज्यादा अबंडेंट होगा, जिसका ज्यादा कॉम्पोजिशन होगा। जो कैलकुलेशन रहता है ये फॉर्मूला इसका रहेगा जो आपको याद में रखना रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मिक्सचर इज गोइंग टू बी टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोबस्ट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज गोइंग टू बी टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, क्लियर है ये? अब दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ मास मोल कॉन्सेप्ट है। या या या, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो आपको मोल्स का डेटा दिया है, इफ यू हैव बीन गिवन कि यू नो वी हैव गैसेस G1 G2 G3 और उनके लाइक वी हैव से N2O2 एंड H2O, तीन गैसेस हैं आपके रूम में, राइट, और उन तीन गैसेस के आपको मोल्स N1 N2 N3 देती है, तो आप उसको फॉर्मूला में कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? आप मोल्स ऑफ N2 लोगे, उसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ N2 आ जाएगा, मोल्स ऑफ O2 लोगे और उसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ O2 आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर लोगे और उसको वाटर वेपर एक्चुअली और उसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये न्यूमरेटर में आपका टोटल मास आ गया और डिनोमिनेटर में आपका टोटल मोल्स आ गया। अगर लेट से आपके पास में मोल्स की जगह मास का डेटा दे देंगे, ठीक है, रादर देन सेइंग कि यू नो इस रूम के अंदर इतना मोल्स ये गैस है, उतना मोल्स ये गैस है, इफ दे गिव यू द डेटा इन टर्म्स ऑफ मास कि यू नो इस रूम के अंदर इतना ग्राम्स N2 है, इतना ग्राम्स O2 है, इतना ग्राम्स H2O है, वाटर वेपर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन स्टिल रीराइट दैट अबव फॉर्मूला टोटल मास बाय टोटल मोल्स इन दैट वे। टोटल मास क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन टोटल मोल्स। अब क्या हो जाएगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विल बी इंडिविजुअल गैस के मोल्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? यस। ऑल राइट, तो अब आप इसको अप्लाई करना शुरू करो। अच्छा हाँ, आप नोट्स लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो? फटाफट लिखते जाओ साथ में। डन सर। दिव्य, हर क्लास में थोड़ा चेंज होगा राजा, मैंने स्टार्टिंग में बोला तो था कि अब हम मोल कंसेप्ट में एक्चुअली ऐसे में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप साथ में नोट्स लिख पाओ। Could you please zoom out more? ऊपर वाला लिख लिया होगा तो मैं थोड़ा नीचे वाला दिखा देता हूँ।
ठीक है, जिस जिसने लिख लिया है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है सर, इसमें बहुत सिंपल सा रहेगा. मोल्स का डेटा दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये वाला वर्जन यूज कर लेंगे, N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2, राइट. सो CO का मोल्स 1 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है. CO2 का मोल्स 2 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, और टोटल मोल्स 3 हो गए. तो क्या आ गया आंसर आपका ये? 38.66. ठीक है, 38.66 या 38.67. ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, ये वाला AMU है ना? AMU या फिर ग्राम पर मोल. ठीक है, ये बता दो.
ठीक है, सिंपल है, मास वाला फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा आपका 39.96। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, कैलकुलेशन में हो सकता है आपने एरर कर दिया हो, बट दैट्स ओके, दैट इज नॉट समथिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। ओके चलो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसमें मैंने मिक्स डेटा दे दिया मास का मोल्स का, तो कैसे डील करोगे? हाँ बोलो। सो इन द प्रीवियस वन व्हाई हैव यू रिटन 1 एंड 2 इज 1 अपॉन 28 इनटू 28 प्लस 2 अपॉन 44 इनटू 44। देखो ना फार्मूला जो था, टोटल मास बाय टोटल मोल्स जो है, तो टोटल मास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम 2 ग्राम? यस सर। और मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। ओह यस सॉरी। हां but sir, how does multiplying by 28 upon 28 and 44 upon 44 make the calculation easy? Like, why? So are you asking me that is this calculation easy? No sir, so why did you do the right hand side step, like multiplying by 28 upon 28 and 44 upon 44 in the denominator, numerator? Why did I do that? Yes, sir. Couldn't we directly solve the denominator? Nahin, I think wo, what would have happened is actually kyun kara hoga? I don't remember this step actually. Matlab, theek hai. कुछ वो मैंने पहले किसी को एक्सप्लेन किया होगा तो उसमें करा होगा स्टेप। इट मस्ट बी पार्ट ऑफ सम डिस्कशन, अदरवाइज इट इज दिस एंड देन यू सॉल्व व्हाटएवर वे यू वुड वांट टू सॉल्व। ओके सर। ये वाला आया आंसर? इसमें आप नोटिस करोगे आपको या तो मास वाला यूज करना है या मोल्स वाला यूज करना है, आपकी इच्छा है। लेट से मैंने डिसाइड करा मोल्स वाला यूज करना है, तो मोल्स ऑफ CO2 0.2 दिए हुए हैं और मोल्स ऑफ CO 10 अपॉन 28 से आ जाएंगे। वंस आई गेट दैट, आई सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला ऑफ मोल्स वाला एंड गेट द आंसर। ठीक है, इतना बेसिक आ रहा है आपको समझ में कैसे एवरेज मॉलिकुलर वेट निकाला जा रहा है मिक्सचर का? ठीक है, अब आप मुझसे शो इट हाउ वी वुड डू इट बाय मास। तो आप फिर इससे मास निकाल लो रादर देन तो उसमें मोल्स इनटू एटॉमिक वेट हो जाएगा ना। हां, तो दिस विल बी 0.2, 0.2 विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, 8.8 ग्राम्स। यस सर, गॉट इट। ऑलराइट, आंसर क्या आ रहा है? आंसर आप लोग अलग अलग दे रहे हो, तो मे बी आई थिंक आप कैलकुलेशन में कुछ कुछ अलग अलग चीजें कर रहे हो। ठीक है, सो कैलकुलेशन तो ठीक है अभी, मतलब मैंने इतना कुछ अच्छे से डेटा नहीं दिया है, रैंडम डेटा ही दे दिया है, तो इट इज ओके इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट डेटा। कैलकुलेशन पे अभी मत ध्यान दो, आई एम नॉट लाइक आस्किंग यू टू फोकस टाइम ऑन कैलकुलेशन राइट नाउ।
focus more on the concept. So could you repeat what should be the answer? 33.74. Okay, sir. So let's solve it. 33.74 AMU. Answer aa jata hai aapka. All right, chalo. Ye wala question try karo. Correct. So 28.8 AMU is the correct answer. Okay, हाँ गार्गी हर्ष खुश मुर्तजा मृणाल आप सबका करेक्ट है 28.8. Now अब इसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ. सो एक तो लॉन्गर मेथड है which is the method that we have been focusing upon, that's a robust method, total mass by total moles, right? But rather than giving you the actual values, what they have done is given you percentage. So koi dikkat nahi hai. Let me start by saying that we have n moles of gas. Theek hai, one mole bhi bol sakta tha main. Theek hai, but yahan par I deliberately chose the variable saying that you know n moles of gas is there or n moles of air is there. तो N2 के कितने मोल्स हो गए 0.8N और उससे मास ऑफ N2 कितना आ गया 0.8N into 28. वैसे ही O2 के मोल्स हो गए 0.2N एंड मास ऑफ O2 हो गया 0.2N into 32. अब मैं इनको अगर एड अप कर दूंगा लाइक पुट देम इन द फॉर्मूला ऑफ टोटल मास बाय टोटल मोल्स राइट N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2 तो ये कैपिटल N कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 28. ठीक है, क्लियर है ये?
नहीं पूर्वा आपने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा कहीं पे. यस आई गॉट व्हाट आई डिड रॉन्ग. ठीक है. अब एक शॉर्टर मेथड है व्हिच इज समथिंग दैट आई थिंक आप लोग सब ने जूनियर क्लासेस में देखा होगा यूज करा होगा. दैट इज परसेंटेज जो होता है उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. सो 80% N2 है और 20% O2 है तो 80% into 28 plus 20% into 32 एंड उससे भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. शॉर्टर वाला मेथड भी समझ में आया. दोनों मेथड लिखो अच्छे से लिखो. हाँ so I think I did something like I used unitary method. So I was finding out that I was basically finding out the total mass. So I did it like 80%. So 80 is out of 100. So 28 will be out of how much? So will that help in any way? नहीं नहीं दोबारा बोलो. So I did it like 80 is out of 100. So 28 will be out of how much for N2? And similarly for oxygen. So then for N2, I got it as 35 grams. And for oxygen, I got it as 160. So I got the total mass as 195. Will that help in any way? No. That seems like not the correct way. Because what you are doing is in separate, isolated manner. You are saying ki one mole of N2 का mass is 28 grams, right? So then you are saying that 28 gram will be 80% of what? No, I'm saying 80% of what, right? Sorry. So उससे आपने निकाल लिया. ठीक है. तो यहाँ पर आप नोटिस करना देन रादर देन स्टार्टिंग विद दिस. ठीक है. यू सेड दैट लेट मी स्टार्ट विद दिस. लेट मोल्स ऑफ एन टू बी वन. ठीक है. यहाँ से आपने बोला मैं स्टार्ट करूँगी. का मतलब मास ऑफ एन टू आ गया 28 ग्राम्स. ठीक है. अब आपने क्या अज्यूम करा दैट मास ऑफ एयर का 80% इज मास ऑफ N2. हाँ सर. बट ये तो गलत हो गया ना. जो 80% है वो तो बाय मोल्स दिया है ना. ओके. यू शुड रादर से दैट मोल्स ऑफ एयर का 80% इज N2 का मोल्स. तो यानी कि अगर ये आपने 1 लिया है तो मोल्स ऑफ एयर कितना हो गया 5/4. Yeah. और फिर आप बोलो कि अगर ये 5/4 है तो फिर moles of O2 कितना हो जाएगा 1/4 है ना. क्योंकि 1 अगर N2 है. और फिर आप formula में substitute करो that 1 into 28 plus 4 into 32 upon 5/4 तो आपका answer आएगा. Also, sir, I wanted to ask that I didn't understand the shorter method that you've done. Shorter method is something which is, you can think of it in this way, that ye jo formula apan ne banaya, N1 M1 plus N2 M2 upon N1 plus N2, hai na? Isko aapne aisa likh diya, N1 upon N1 plus N2, into M1 plus N2 upon N1 plus N2 into M2. ऐसे लिख सकता हूँ मैं? हाँ सर. राइट. फिर आप इसको लाइक 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों टर्म्स को. राइट. तो फिर ये जो टर्म है ये परसेंटेज हो गया बाय मोल्स. है कि नहीं? यस. तो परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर वेट प्लस परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर वेट. बस वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया. ठीक है. समटाइम्स दैट इज अ शॉर्टर वे.
You might not be solving it in this way, but I know for a sure that in class some of the students would have solved it in this way. Are there some students who have solved it directly via the shorter way? Yes, sir. आई नो क्योंकि जूनियर क्लास में सिखाते हैं कुछ कुछ स्कूल्स में सिखाते हैं फॉर श्योर बट हैविंग सेड दैट हैविंग लर्न दैट हैविंग अंडरस्टूड दिस अब आप ये वाला क्वेश्चन करो एंड इफ पॉसिबल यूज अ कैलकुलेटर बिकॉज आई वॉन्ट एन एक्यूरेट आंसर. ऊपर वाले और इस वाले क्वेश्चन में अंतर समझ में आया? ऊपर में 80% 20% बाय मोल्स था और इसमें 80% 20% बाय मास है. ठीक है सर, अभी मैं जो पहले कर रही थी वो मैं कर सकती हूँ ना? देखो आप केयरफुली करना, लेकिन ठीक है एक्यूरेट आंसर निकालना दो डेसिमल प्लेस तक. इवन इफ इट रिक्वायर्स यू टू यूज अ कैलकुलेटर आई डोंट माइंड राइट नाउ बिकॉज आई वांट यू टू बी फोकस्ड मोर ऑन द कैलकुलेशन. ऑल राइट, कुछ कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया है. यस 28.72 या 71 चलेगा. ठीक है 28.72 या 28.71 आ रहा है. ठीक है जिसका 28.8 वापस आया ना, जैसे हर्ष तुम्हारा आया 28.8 वापस, तो यहाँ पर एक्चुअली द शॉर्टर मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. जो वो परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर वेट प्लस परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर वेट करते हैं वो सिर्फ मोल्स वाला कॉम्पोजिशन अगर दिया है तो ही एप्लीकेबल है. इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज डन बाय इट इज गिवन परसेंटेज बाय मास. ठीक है तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा. यहाँ पे यू विल हैव टू गो बाय द लॉन्गर मेथड ओनली द रोबस्ट मेथड. एंड लेट्स से जजेस का आंसर नहीं आया है, ठीक है उनको मैं एक हिंट ये दे देता हूँ. ठीक है इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग लेट द मास बी 100 ग्राम्स. ठीक है इफ यू डोंट वांट टू टेक द वेरिएबल
if you are okay with taking a value also, क्योंकि question में कोई hard data दिया नहीं है ना mass का, there is no hard data that is given to you, तो आप 100 gram air भी मान के चालू हो जाओ और फिर देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड यूज द फॉर्मूला टोटल मास बाय टोटल मोल्स, फटाफट फटाफट बाकी लोग भी निकालो. So what should be the answer of this question? What should be the answer? वो तो मैं बताऊंगा आपको, पहले आप निकालो उसे. 28.71 या 28.72. ठीक है, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? ये एक्स साद शेख, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम एक्स रखा है, साद मिडिल नेम है और शेख सरनेम है, ऐसा है क्या? ये तुम्हारी आवाज तो आई नहीं खैर मुझे, बट अपना नाम ठीक करो. I'm allowing you to rename. What is X Saad Sheikh? अगर genuinely तुम्हारा नाम X है तो फिर तो मतलब respect है. सिद्धार्थ वॉरियर, समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. आंसर आ रहा है इसमें? Yes, sir. 28.72 आया. आ गया? ठीक है. राइट, सो यहाँ पर हमने अगर 100 आप मान लेते मास तो N2 80 ग्राम और O2 20 ग्राम हो जाता, तो N2 का मास से मोल जा जाते, O2 के भी मास से मोल जा जाते, आप यहाँ पुट करते फॉर्मूला में और आपका आंसर 28.71 आ जाता. ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो. So I did this sum in a different way and I'm getting the answers 28.8 only. Should I tell you what I did? Batao. So sir, basically 80% N2 hai, so then I did 80 upon 100 of 28 and then I got 28. Yes. Why did you do that? To get the mass. But like किसका मास? What is this equal to? Mass of what? N2. Mass of N2. So then what you assumed is that mass of one. Mass of air is 28 grams. That is what you must have assumed, no? क्योंकि उसका 80% is mass of N2, ना? Is that what you thought? No sir, I just did it in this way. तो वो जस्ट डिड इट. सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू आर डूइंग समथिंग, बट व्हेन यू आर डूइंग दैट समथिंग यू नीड टू बी क्लियर व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग एंड देन एक्सप्लेन इट टू मी दैट व्हाट इज इट दैट यू हैव डन. सो डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन? नो सर, आई विल ट्राई इट अगेन. नहीं नहीं, मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हो, लाइक इसके आगे आपने कुछ सोचा हो, करा हो? So I have done it, मतलब आगे भी. So I did it similarly for O2 also. लेकिन आपने mass of O2 आपने बोल दिया is 20 by 100 of 32. तो अब आप यहाँ पर आपने assume कर लिया mass of air is. हाँ, पर ऐसा हो नहीं सकता. Contradiction हो गया ना आपके approach में. हाँ.
So we can still do this term by the sorter method, right? By just taking that since the mass is 100% and then at the bottom, since it's in moles, we'll take numerator as 100 and denominator we'll do like the percentage by the given mass. So it'll be similar to the longer method, but still. नहीं उसमें डिनोमिनेटर में वो आ रहा है ना यस सर मतलब इट विल बी 100 अपॉन देन परसेंटेज बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस परसेंटेज बाय मॉलिक्यूलर वेट यस सर ठीक है ना वो तो आपने एक नया फार्मूला बना लिया बट आई एम जस्ट आई डोंट वांट टू क्रिएट न्यू फार्मूला सी माय एजेंडा इज नॉट टू क्रिएट मोर फार्मूला व्हाट आई हैव डन इज गिवन यू वन रोबस्ट फार्मूला टू वर्क विद ठीक है ये मैंने शॉर्टर मेथड इसलिए बताया बिकॉज कई बच्चे बचपन में इस जूनियर क्लास में फॉर्मूला सीख के आ जाते हैं अदरवाइज मैं तो ये फॉर्मूला बताता भी नहीं ठीक है yes, sir, got it. उसका मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको याद भी है तो वो जब भी एप्लीकेबल रहेगा जब मोल्स का डेटा दिया हुआ है मास में नहीं लगाएंगे ऑलराइट ठीक है सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अभी एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट नाउ ये क्या कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट सो आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट अगर आप नोटिस करोगे इन द पीरियोडिक टेबल वो फ्रैक्शंस में लिखा होता है जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है ठीक है इफ आई आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट कार्बन What is the, or let me not take carbon ka example, let me actually take oxygen ka example. Oxygen ka atomic number kitna hai? 8. Oxygen ka mass number kitna hai? 16. Theek hai? If I ask you atomic mass of oxygen kitna hai? So what you do is you give me the answer 16 AMU. ठीक है? Now to be honest, the answer isn't really exactly 16 for the atomic mass. आप अगर periodic table देखोगे तो उसमें कुछ decimals में mentioned होगा mass. And वो इसलिए mention होगा क्योंकि दैट अटोमिक मास इज टेकन एज द एवरेज और वेटेड एवरेज ऑफ द अटोमिक मास ऑफ वेरियस आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन डू यू नो सर्टेन आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन राइट ओ 16 जैसे है वैसे ओ 18 भी होता है राइट सो देर आर दीज वेरियस आइसोटोप्स जिनका वेटेड एवरेज लेकर मास रिपोर्ट करा जाता है ठीक है सो जस्ट गिव मी वन सेकेंड ना गिव मी वन ठीक है या सॉरी सो यहां पर एवरेज एटॉमिक मास इज टेकन एज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स ठीक है तो यहां पर अंडरलाइंग फॉर्मूला वही रहेगा दैट सेम रोबस्ट फॉर्मूला टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स करना होगा हमें ठीक है डिपेंडिंग अपॉन डेटा
हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे वर्क करेंगे, वो आप नोटिस करना, ठीक है। तो जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा क्लोरीन के बारे में, क्लासिक एग्जांपल होता है, राइट। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, Cl-35 एंड Cl-37, एंड आपने उनके बारे में पढ़ा होगा कि इनका 75% 25% अबंडेंस होता है, ठीक है। तो आपको शायद उस टाइम पे नहीं आइडिया होगा, बट दिस इज बेस्ड अपॉन बाय मोल्स, ठीक है। 75% 25% जो ये है, ये बाय मोल्स है, ठीक है। अब आपको पता पड़ गया है, तो यहाँ पर अब आप इसको यूज करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। हाँ बिल्कुल, हो सकता है हर्ष, इफ यू डिस्कवर न्यूअर आइसोटोप्स द एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास चेंजेस, बट जनरली उनका कॉम्पोजिशन इतना कम रहता है कि हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन का। इनफैक्ट हम लोग तो राउंडेड ऑफ वैल्यूज लेते हैं अपने कैलकुलेशन में। So, ये परसेंटेज कंपोजिशन पिछले सम्स में भी बाय मोल्स हो या बाय मास, तो वो लॉन्गर मेथड कभी चेंज नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, सो यहाँ पर आप शॉर्टर मेथड अप्लाई कर लो, ठीक है। इस केस में क्योंकि बाय मोल्स दिया है तो फटाफट शॉर्टर मेथड अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 35.5। लॉन्गर मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा, बट सेव इट फॉर दिस क्वेश्चन जहां पर ये बाय मास दिया हुआ है, इसमें अब शॉर्टर मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मुझे बता दो क्या रहेगा आंसर इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में।
नहीं नहीं देखो 35 और 37 के बाहर तो आंसर हो ही नहीं सकता ना आदित्य, इन दोनों के बीच में आंसर रहेगा ना प्रियल? यस सर। ठीक है, तो आप टोटल मार्क्स बाय टोटल मार्क्स लगाओगे राइट? इफ यू वांट टू टेक अ वैल्यू आल्सो यहां पे चलेगा, यू कैन लेट द टोटल मास बी 100 ग्राम्स आल्सो इफ यू लाइक, वेरिएबल में नहीं करना है तो मास पता पड़ जाएगा इंडिविजुअल आइसोटोप का, उससे मोल्स पता पड़ जाएंगे राइट? मोल्स क्या हो जाएगा? मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप ना, और उसको आप फिर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ, अच्छे से समझ लो कैसे करा है ये। किसी को कोई डाउट है तो बताना, इसमें शॉर्टर मेथड नहीं काम करेगा। ठीक है, 35.479 रहेगा, इट विल बी डिफरेंट मुर्तजा। ठीक है, आपने क्या यार सर, यहाँ पर फ्रॉक्स हो गया थोड़ा सा। हाँ ऑल राइट, तो ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो। लेट्स सी समझ में आता है आप लोगों को, नहीं आता है?
ऑल राइट, कुछ कुछ आंसर्स आए हैं बट अभी तक तो किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है. ठीक है मुर्तजा, टोटल सैंपल का मास 12 ग्राम है तो तुम C12 का मास 12 से ज्यादा कैसे रिपोर्ट कर सकते हो? ये हृदय ने तो 100.8 रिपोर्ट कर दिया, पता नहीं क्या कर रहा है. 12 ग्राम में से 100 ग्राम कैसे निकाल लोगे यार तुम? ठीक है 8.4 जिस जिसका आंसर आ रहा है वो लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं विच इज एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बट 8.4 ग्राम्स इज नॉट द करेक्ट आंसर. सोचो और थोड़ा समझो. ओके 8 ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर. एक ही इंसान का आया है गार्गी का, बाकी किसी का भी करेक्ट नहीं आया है अभी तक. ठीक है सो इसमें कैसे करना रहेगा? मल्टीपल वेज हैं, देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन सॉल्व द आंसर. द 8.4 का आंसर जो लोग दे रहे हैं वो ये इनकरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं. दे आर यूजिंग द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एज 12. ये सही नहीं है. मतलब वो क्या कर रहे हैं कि 12 ग्राम दिया है सैंपल, राइट? तो 12 ग्राम
सैंपल है कार्बन का, मतलब 12 एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो एक मोल हो गया, और एक मोल का 70% C12 है, यानी कि 8.4 ग्राम C12 हो गया, वो गड़बड़ है। यहाँ पर एटॉमिक मास 12 नहीं यूज कर सकते, ये इन जनरल ट्रू है बिकॉज इन रियल लाइफ 99% इज C12 ओनली एंड लेस देन 1% इज C14, सो द एटॉमिक मास कम्स वेरी क्लोज टू 12 ओनली। बट यहाँ पर इन दिस सिचुएशन, इन दिस सैंपल आप देख रहे हो C12 C14 का रेशियो 70-30 है, तो अगर आपको एटॉमिक मास भी यूज करना है तो फिर आपको प्रॉपर वेटेड एवरेज निकाल के यूज करना पड़ेगा। यू कांट डू दैट कि आप 12 यूज कर लो, ठीक है। तो अब मल्टीपल तरीके हैं जिनसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। वन मेथड वुड बी, ठीक है, एज सिंपल एज कि टोटल 12 ग्राम है तो उसमें से x ग्राम C12 है और 12 माइनस x ग्राम C14 है, राइट। तो मास से मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग, x के टर्म्स में ही आएंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास करेंगे तो उससे मोल्स आ जाएंगे, और इन मोल्स का जो रेशियो है वो 70% 30% है ना, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में तो उससे x का वैल्यू आ जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। सो दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट मेथड दैट यू वुड हैव डन। समझ में आया है सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है। लिख लो जो इनकरेक्ट मेथड है एज वेल एज जो सिंपलेस्ट मेथड है टू सॉल्व, वो भी लिख लो, मैं आपको करेक्ट एक और मेथड भी बता दूंगा। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट इनकरेक्ट मेथड अगेन, मतलब क्या है वो मेथड? वो मैं अभी मेथड 2 जो बताऊंगा वो वही है। ओके, थैंक यू। लिखा सबने, ये आया समझ में? ऑल राइट, सो एक और अब मेथड देख लेते हैं यहाँ पर, लेट्स लुक एट अनदर मेथड। ठीक है, हाँ एक्चुअली मेथड 3 है वो जो इनकरेक्ट पर बेस्ड है, मेथड 2 नहीं है, मेथड 3 है, बट चलो ठीक है मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 में व्हाट यू कैन स्टार्ट विद रादर देन मास, यू कैन स्टार्ट विद सेइंग मोल्स। मोल्स आपको 70% 30% दिए हैं, है ना, तो यहाँ पर यू स्टार्टेड बाय सेइंग कि C12 के मान लो 0.7 बाय मोल्स है और C14 के मान लो 0.3 मोल्स है, ठीक है। अब जो टोटल मास है वो दोनों का मास को ऐड करके आएगा, राइट। सो मास ऑफ C12 क्या हो जाएगा, उसके मोल्स इनटू उसका एटॉमिक वेट, और C14 का मास विल बी उसके मोल्स इनटू उसका एटॉमिक वेट,
So 0.75 into 12 plus 0.35 into 14, that should be equal to 12 grams. Okay, this is what is given to you. तो इससे y आ जाएगा, but that is not the answer. The answer is 0.7y. They have asked you how much is the mass of C12. So 0.7y into 12, you again solve and get the answer as 8. ये method 2 समझ में आया? This is also a way of doing the same question. Is this clear? अब एक और मेथड है, मेथड 3. ठीक है, मेथड 3 में कैसा है? दिस इज बेस्ड अपॉन दैट वेटेड एवरेज एटॉमिक वेट. तो आपका यहां पर जो कॉम्पोजिशन दिया हुआ है 70% 40%, उससे हमने वेटेड एवरेज एटॉमिक मास निकाला कार्बन का, दैट कम्स आउट टू बी 12.6 एमयू. दिस इज व्हाट यू शुड यूज इन द मास मोल रिलेशनशिप ऑन द सैंपल. Mass of sample upon atomic weight of the sample will give you the moles of sample. So mass is given 12 and atomic weight jo hai wo humne proper weighted average nikala 12.6, to usse aapko moles of sample milenge aur uska 70% mole C12 hai, 30% mole C14 hai, right? Aur wo fir jo aapka answer aaya usse aapko moles of C12 mil jayenge, usse aap fir mass of C12 nikal loge, wapas se 8 grams aa jayega. Theek hai, ये मेथड 3 समझ में आया? जो इनकरेक्ट था वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको 12 एएमयू ही ले रहे थे, 12 एएमयू या 12 ग्राम पर मोल. और फिर वो लोग क्या कर रहे थे, मोल्स ऑफ सैंपल को बोल रहे थे 12 अपॉन 12, दैट इज 1 मोल. और 1 का फिर 70% को बोल रहे थे कि यू नो इसका लाइक 0.7 मोल C12 है और उसका मास हो जाएगा 0.7 into 12, that is 8.4. ये गलत हो गया ना, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया. Sir, I actually used the method 3, but instead of carbon 14, I accidentally took carbon 13. अच्छा, ठीक है. हाँ, कोई कुछ कह रहा था और कुछ समझ में आ रहा है, ये तरीके क्या क्या हैं? It opens up your way of thinking. So could you please explain the difference between method 2 and method 3 again? See, method 3 was based upon the concept ki hum log jo sample hai, theek hai, usko as our system recognize karenge. Theek hai, will not recognize C12 and C14 to begin with. We will start by our sample only and use the mass mole relationship of sample, determine the moles of sample, and then once we have analyzed sample ke mass se sample ke moles, then fir ab usme hum log C12 C14 ke bare mein charcha karenge, kitna C12 C14 hoga, aur fir unko individually calculate karenge. Whereas the upar wale methods hain, unme kya ho raha hai, we don't start with the whole sample as beginning. Theek hai, what we do is we start by saying कि अच्छा ये C12 और C14 है, right? इनको अलग अलग से अगर मैं सोचूं, moles इनके ऐसे होने चाहिए, फिर उनसे मैं combined sample की तरफ मूव करूंगा. ठीक है, एंड जो भी वेरिएबल मैंने लिया था उसको सॉल्व करूंगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज मेथड. Yes, I got it. Okay, is this clear with everyone? So can you scroll down? हाँ, एक मिनट ना, मैं ये सब जो मैंने करा है उसको मैं रब कर देता हूँ. हाँ, ठीक है. हाँ, ये मेथड 3 समझ में आया? So I had a doubt. So the thing like which we get 12 upon 12.6, what value is that exactly? That is the moles of sample. Matlab total moles of C12 plus C14 milakar. So because I found till that and then I got 1.05, but I couldn't do anymore.
हाँ तो अब यहाँ पर आप आ गए टोटल मोल्स. अब आप वापस क्वेश्चन में जाओगे, आप सोचोगे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द मास ऑफ C12, तो उसके लिए यू वुड नीड द इंडिविजुअल मोल्स ऑफ C12. सो नाउ यू रीड द क्वेश्चन एंड उससे पता पड़ेगा कि टोटल मोल्स का 70% 30% ये है ना. आप देखो जब भी कहीं पर आगे बढ़ते हो ठीक है और अटकते हो अपनी अप्रोच में, यू शुड ऑलवेज रीड द क्वेश्चन अगेन. ठीक है, फिगर आउट क्या क्या डेटा आपने यूज कर लिया है, क्या क्या बचा हुआ है क्वेश्चन में और कुछ डेटा जो यूज करना है, क्योंकि आपने सिर्फ यही डेटा यूज करा था ना, ये 70-30 का डेटा तो आपने यूज ही नहीं करा, तो आपको फिर क्लिक करेगा कि अरे ये डेटा यूज करने से कुछ पता पड़ेगा, देन आपको स्ट्राइक होगा कि अच्छा हाँ इससे C12 के मोल्स पता पड़ जाएंगे और फिर C12 का मास आ जाएगा. Yes, I got it. ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रीड करना पड़ता है क्वेश्चन को. All right. Is this clear? Oh, sir, can you go to the second method for a minute? Yes, I'm done. I had done it by this. I just wanted to check. Check. ऑल राइट, तो अब इसके बाद में हमारे जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स वो खत्म हो गए हैं. अब हम लोग स्टॉइकियोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट देन लेट्स स्टार्ट इट फ्रेश इन द नेक्स्ट क्लास, लेट्स नॉट डू इट टुडे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है. इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप वो भी ट्राई करना एंड देन लेट्स स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड उतना फिर मैं आपसे टेस्ट में पूछ लूँगा. ठीक है, ऑल राइट, किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स? सो आई हैड आस्क्ड यू अ क्वेश्चन अबाउट दैट ऑक्सीजन पर्स लाइक एटॉमिक मास. मतलब इस आज जो पढ़ा है उसमें. So in the chat I'd asked you, so I wanted to say that if there are two isotopes of oxygen, which are 16 and 18, so then why is the atomic mass of oxygen less than 16? Shouldn't it be between 16 and 18? हाँ बिल्कुल, अब हो सकता है. Is it, it isn't it 15.99 something? नहीं नहीं, so उसमें so देखो एक चीज और ये रहती है that एक तो रीजन हो सकता है कि ऑक्सीजन के और कोई आइसोटोप्स भी अकाउंट में लिए हों. ठीक है, हो सकता है ऑक्सीजन का O15 आइसोटोप भी अकाउंट में लिया हो. ठीक है, पॉसिबल है, बट इवन इफ लेट से आई रिजेक्ट दैट कि चलो दो ही आइसोटोप हैं O16 और O18. ठीक है, एंड दे मेक द बल्क ऑफ इट, तब भी यहाँ पे एक और फैक्टर ये रहता है that you remember AMU का definition कैसा था? वो base था carbon atom के ऊपर, right? तो हम लोग जब atomic mass की बात करते हैं, atomic mass of oxygen atom, right? ये क्या हो जाएगा? mass of one एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एंड यहां पर हम लोग इसकी यूनिट्स जो है वो AMU में मेंशन करना चाहते हैं. ठीक है, और ये जो AMU है ये बेस्ड ऑन C12 है. ठीक है, सो व्हेन वी अप्लाई दैट AMU का फैक्टर ओवर हेयर, ठीक है, देन possibly जो मेरा वैल्यू है वो 16 से हो सकता है थोड़ा कम आ जाए. ठीक है, कार्बन के अंदर कैसा होता है, कार्बन हैज गॉट 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन हैज गॉट 8 प्रोटॉन्स, लाइक O16 जो रहेगा उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे.
यस सर. तो अगर मुझे लेट्स से ये रिपोर्ट करना है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें जो ये मास ऑफ वन एटम लिया जाता है, ये किसके रेफरेंस में लिया जाता है? C12 के रेफरेंस में, एंड उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करा जाता है. तो ये भी एक रोल प्ले करता है, ठीक है. तो जैसे आप, इनफैक्ट मैं आपको ये विकिपीडिया का वो दिखाता हूँ, जैसे ये आप नोटिस करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, ये मैं विकिपीडिया का आपके सामने उठाया है स्क्रीनशॉट. तो इसमें न्यूक्लियाइड है O16, आप नोटिस कर रहे हो इसमें 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं, बट डू यू सी इसका एटॉमिक मास 16 नहीं है. यस सर. इंडिविजुअल आइसोटोप है उसका मास ही 16 से थोड़ा कम है. क्यों? क्योंकि वो C12 के रेफरेंस में डिफाइन करा जाता है, ठीक है. जो डाल्टन है, डाल्टन 1U या 1DA या 1AMU सेम चीज होती है, उसके टर्म्स में डिफाइन करा जा रहा है, ठीक है. ओके सर. 16 वैल्यू तो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि 15.99 को 16 मान लेंगे चलेगा, ठीक है. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? मैं आज का होमवर्क जो आपको दूंगा वो भी आप लोग अटेम्प्ट करना, सैटरडे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलो, ऑल राइट डन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय 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 सर.